सफर करके जो कोई मुसाफिर ठहरता था दर पर, ये रो रो की कहती थी सरवर की दोस्तर। जो कोई मुसाफिर ठहरता था दर पर, ये रो रो की कहती थी सरवर की दोस्तर। रसल बस्तर गमज़दा कैदियों का, रसल बस्तर गमज़दा कैदियों का, मेरे मानने वालों दिल मत दुखाना। सीना की तुर्बत पे जाने वालों, रिदार दो बालियां दे के जाना। अंधेरों की आदि न थी शहर की दोस्तर, अंधेरों की आदि न थी शहर की दोस्तर। वो नाजों की पाली, वो नाजों की पाली, माटी का बिस्तर। वो नाजों की पाली, वो माटी का बिस्तर। जो अंदाजा करना हो उसके दुखों का, जो अंदाजा करना हो उसके दुखों का, तो कुछ देर जिंदा मैं तुम बैठ जाना। जाने वालों रिदार दो बालियां देते जाना। उसे जब भी याद आता होगा मदीना, उसे जब भी याद आता होगा मदीना, यही कहती होगी ये मुश्किल है जीना। मुसाफिर है ये और यतीमा है लोगों, मुसाफिर है ये और यतीमा है लोगों। सताई हुई है इसे मत सताना। जाने वालों रिदार दो बालियां देते जाना। पढ़ेगा जो मीसम ये नौहा लहद पर, पढ़ेगा जो मीसम ये नौहा लहद पर। पढ़ेगा तुम्हें संगे नो हाल हद पर, जफर शाम में फिर अजब होगा मंजर। सकीना की फिर ये सदा आए शायद, ये नोहा मेरा कर बजा रिदार दो बालियां देते जाना। अगर हो सके कैद खाने में जाकर, लहद पर सकीना के शम्मा ज
Hussein
कर रही है रसूल की मर्जी से हो रहा है। मैंने कहा तुमसे रखेगा अल्लाह,
अगर कुछ जवान में जाए तो आया आयत के मुताबिक आयत की हुकुम की फरमाबरदारी करते हुए ये मुखालफत करते हुए यहाँ पे फैसला इंशा अल्लाह आपने छोड़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कोई भी है आयत के घर में लिखेगा पहली वाली आयत की और फिर बार वाली आयत की सारी की सारी अस्बास निकाल दे। अब बीच में गुना है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअन्कुम रिज़्ज़ा। अब यहाँ पे लफ्ज़े मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ दो मरतबा, मैंने कहा सिरों की सारी बहस हो जाएगी सर, बुनियादी बहस छोड़ दी थी। सारे उलमा ने बोल के लगाया कि गुज़श्ता और उससे पहली और बाद वाली सारी आयत हैं वो क्योंकि अज़वाज रसूल से मुतालिक हैं, लेकिन अल्लाह हमारे उलमा ने जवाब दिया कि नहीं, वहाँ मुअन्नस के सिले हैं, यहाँ मुज़क्कर के सिले हैं, वहाँ फेमिनिन जेंडर है, यहाँ मैस्कुलिन जेंडर, पूरी बहस है। वहाँ गुन्ना और गुन्ना के सिले इस्तेमाल किए जो फेमिनिन के हैं और यहाँ पे एक ने दो मरतबा मैस्कुलिन जेंडर आया है। जवाब दुरुस्त नहीं है। तरतीब में पहले भी कह चुका हूं कि तरतीब कुरान की खुद रसूल खुदा ने दी है, किसी और को कोई क्रेडिट नहीं जाता, खुद रसूल खुदा ने दी है। अगर रसूल और उनकी आय के अलावा किसी भी बुजुर्ग काम का, किसी बड़े काम का क्रेडिट किसी और को दिया जाए तो उसके अंदर कोई ना कोई जरूर मकसद है या अहले बैत की शान बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से वहां से दिया जा रहा है पहले, और वो कंट्रडिक्शन खुद से बता रहा है कि नहीं उन्होंने ये काम नहीं किया है, काम किसी और है। तभी तो मेरे साथ और वहां पे उन्होंने कहा कि सहारा जमा किया इसलिए उस लोगों ने तरतीब से हटा दी थी, उन्होंने कहा आयत को कितने शायद को सुनो कि यहां रखिए, नहीं आयत बिल्कुल सही जगह पे है, हमारा आयत बिल्कुल सही जगह पे, अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल सही जगह पे आयत को रखा है। अजवाज के मुताबिक आयत के बीच में आले मोहम्मद की शान को बयान किया, अरबी जबान का ग्रामर का कानून है, सिंटैक्स का कानून है, अपने हक का कि जुमला मुअक्कदा कहा जाता है, जुमला मुअक्कदा यानी अल्लाह किसी अहम बात को किसी ऐसी जगह पे रखता है कि वो बात बिल्कुल अलग से नजर आए। इसमें कहते हैं सिर्फ शिक्षा बिल्कुल अलग से नजर आए कि ये गुफ्तगू कुछ बहुत जरूरी थी, जहां बीच में जुमला क्या आया है, मैं मिसाल देता चलो अल्लाह कहेगा फिरौन ने खुदा का दावा किया था, फिरौन बच्चों को कर देता था, बच्चों को सुंदर करता था, फिरौन 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 मूसा अल्लाह के नबी थे और सूरत वार फिरौन का किस्सा, अब आपको सारा शायद फिरौन का किस्सा भूल जाए लेकिन फिरौन के किस्से के दरमियान में एक जनाब मूसा से मुताबिक आयत है वो कभी नहीं भूले। इस जुमले को हटा कर जुमला मुअक्कदा अल्लाह सुभान व तआला किसी अहम बात को हमेशा ऐसी आयात में रखता है कि वो आयत इंसान की आंखों के अंदर इस तरह से नजर आए कि हाँ ये आयत और है गुज़श्ता और बाद वाली आयत। अब अल्लाह ने अजमाश से मुताबिक सारी आयत बयान की, बीच में लिखा आयत तकदीर को वहां रख दिया। अब सारे के सारे जब भी पढ़ेंगे तो पढ़ते जाएंगे और सोचते जाएंगे वो आयत और थी वहां पे उनको मना किया जा रहा था, तवज्जो रखिएगा, वहां मना किया जा रहा था ये मत करना वो मत करना का कि इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह ने पाकों पाकीज़ा रखा है अहले बैत को। देखो वहां बेशक डांटा जा सकता है, यहां डांटने की बात नहीं हो रही है, यहां पे तो रिस्क को भी दूर रखा गया है। अल्लाह ने इरादा किया है, युरीदुल्लाह मुदारिका सिला है, मालिक है अरादा युरीदु, अरादा युरीदु मालिक मुदारिका सिला है, अल्लाह की इंटेंशन ये, अल्लाह का इरादा ये है क्या इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह का बस ये इरादा, परवरदिगार इतने तेरे इरादे हैं क्या इन्नमा, बस अल्लाह का और कोई इरादा नहीं है, ये एक इरादा, यानी कोई इतना गलत तो वाला इरादा है कि अल्लाह ने कहा कि कोई इरादा इरादा नहीं, ये इरादा इरादा, मेरे कोई काम काम नहीं, ये काम काम है, यानी अल्लाह खुद अपने इरादे को जिसको अहमियत दे रहा हो वो आयत तस्बीह से उतारे का इन्नमा युरीदुल्लाह हो, बेशक बस अल्लाह का ये इरादा है। और इरादा यानी क्या है आइए जरा थोड़ी यासीन की आवाज में दे देते हैं, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, उसका इरादा ये है कि वो जब किसी चीज को चाहता है कि हो जाए तो कहता है कि हो जा और चीज हो जाती है, कहता है कौन हो जा और चीज हो जाती है, बी एन थी जब चले इमाम को पूछा गया मौला बात है खुदा नहीं है कि वो कहता है कि चीज हो जा और चीज हो जाती है, क्या नहीं ये भी तुम्हारे समझाने के लिए कहा, वो ये नहीं कहता कि हो जा चीज हो जाती है का, वो इरादा करता है चीज हो जाती है। तो देखिए मेरे इरादा करने
से लेके फेल तक, इंटेंशन से लेके एक्शन तक मराहिल हैं, कई मरहले हैं, स्टेजेस हैं, लेकिन अल्लाह के कोई मराहिल नहीं है, अगर समझ ही नहीं है। मैंने नियत की कि मैं मजलिस पढ़ूंगा, इरादा किया, इरादे से लेके मजलिस तक कई मराहिल हैं। मैंने घर से इरादा किया, तैयारी की होगी, चला आऊंगा, पहुंचा होगा, पहुंचेगा, बैठा होगा, कई चीजें हैं, तैयारी हुई होगी, मजलिस में लोग आए होंगे, बैठे होंगे, आखिर में मैंने डिलीवर किया, इरादे से लेके इरादे से लेके फेल तक इतने मराहिल हैं, क्या कम से कम तीन चार मरहले हर इंसान के इरादे से लेके एक्शन तक होते हैं, इंटेंशन से लेके एक्शन तक कई मरहले, कम से कम तीन चार मरहले होते हैं, उसके इससे भी ज्यादा होते हैं। क्या अल्लाह कहता है कि नहीं, मेरा इरादा और एक्शन के अंदर, इरादे में और फेल में कोई फासला नहीं है। मैं कहता हूँ उसने इरादा किया और चीज हो गई, क्या ये कुल फैल को भी तुम्हारे समझाने के लिए कि वो कहता है कि हो जाओ, हो जाती है, क्या कहता नहीं है, सिर्फ इरादा करता है और चीजें बनने लगती है। क्या मराहिल ये है, क्या कि तुम्हारे यहाँ मराहिल है, अल्लाह के कोई मरहला नहीं है। अब अगर मैं समझा भी पाऊंगी तो ये पूरी की पूरी कि अल्लाह सुभान व तआला ने कहा कि उसका इरादा ये है कि वो कहता हो जाओ, हो जाता है, उस अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर-रिज़्क़ा, को दूर रखे। जब से अल्लाह है तब से उसका इरादा है, जब से उसका इरादा है तब से हर रिस्क अहले बैत से दूर है। अगर जब से अल्लाह का इरादा तब से हर रिस्क अहले बैत से दूर है, उसका जवाब ही हमने पूरी बहस की है किताब के अंदर। वो कहते हैं यहां पे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अहले बैत मैं तुम्हें रिस्क से दूर रखूंगा।
सारी पैसे हल हो जाएंगे। खुदा की कसम जब मैंने दिल पेश की थी एक साहब ने कहा कि मैं वक्त लेके आ गया पढ़ना चैन दे आया तो खुशी थी। मैंने कभी मुझसे तो पेशेंट ले जा चैन दे क्या मेरे बिहाफ पे कहा क्या है इस जगह पे जाते हैं आप उनके यहाँ लगते हैं कि मरना आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा कि मुझे क्या बहुत है तो वहाँ पहुंचे उन्होंने कभी ने क्या कहें कि अचानक आया पेश नहीं खुदा का कोई जवाब नहीं क्या मैं पेश कर रहा हूँ और उसे पूछने के कहने मरना क्या पैसे सुनिए कहाँ से लेके आया और बिल्कुल दूसरे रखने वाली बातें पेश करूँगा आप बताइए कैसे को लग रही है।
आए आने के बाद अपने कभी किताब को डाल दें, फिर लोगों से प्राप्त नहीं किस तरह पाए थे तो बने कजन को बुरा सचरा समय में क्योंकि आधार बोल रहा था डाल देता हूँ। तो कहा कि यानी अगर हम कबूल नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं पर तो बात कर दो क्यों कहते हैं पैंबर का बोल रहे तलाक दिया अगर ठीक है हम नहीं मानते तो आप तलाक निकालेगा नहीं हम मानते हैं क्यों तलाक से लड़ने का नहीं हम देखना चाहते थे क्योंकि हमें भी यकीन है कि आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं उसका इरादा इरादा नहीं है बल्कि अमल है उसके
इरादे और अमल के अंदर कोई फासला नहीं है, इरादे और फेम में कोई फासला नहीं है। बहुत तरह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दूर रखा है और अल्लाह ने मरकज जो बनाया है तो अहले बैत के दो तरह के फजाइल हैं, कुछ घर के अंदर के फजाइल हैं, कुछ घर से बाहर के फजाइल हैं। दोनों का मरकज जनाब सैयदा को बनाया है। जो भी सहारा की नस्ल है वो फजल में रसूल है, क्या वो आने रसूल
کہ فضلت رسول کہا جاتا ہے۔ کہا کہ وہ قرآن سے دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ کو فضلت رسول کہا جائے؟ کہا ہاں میں بھی آیت پیش کر دیتا ہوں جو قرآن کا وارث ہے وہ آیت پیش کرے گا۔ سنا لا رہے ہیں فضلت دیکھ کے کہا کہ میں قرآن سے آیت پیش کر قرآن سے دلیل دے سکتے ہیں اپنے فضلت رسول ہونے پہ؟ میں نے کہا میں قرآن سے آیت پیش کرتا ہوں۔ کہا بتائیے کہا انہ من ذریت ہی کہا بے شک ابراہیم کی ذریت کے اندر اللہ نے فرمایا یعقوب اور اسحاق نر سارے سارے بے گمان اس کے ساتھ ہے یعقوب اور یوسف اور یہ سارے کے سارے ہیں۔ کہا وہ موسی اور عیسیٰ اللہ نے موسی عیسیٰ سارے انبیاء کو فرمایا نا تو کہا ابراہیم کی ذریت سے سب ہے۔ کہا موسی اور عیسیٰ اللہ نے عیسیٰ کو بھی فرمایا ہے۔ کہا مجھے اتنا بتا جناب عیسیٰ کا والد کون ہے؟ کہا نہیں ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ کہا تو پھر وہ کس طرح سے جناب ابراہیم کی نسل کے اندر ہے؟ سارے
मैं तो वैसे से आता हूँ, आप देखो गांव में क्या मतलब लगाया जाता है, हमें तो जो है यही नहीं आता है। किस अंदाज से मैं वक्त बताते हैं, मैं तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि सारा मतलब यहाँ पे मौजूद है, जब एक दो एक दो बात में देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि तमाम है जो है तमाम ऐसा है, और लोगों ने कितनी ही चीजें बना ली। पहले तो मुसलमान के लिए तरफ सरकार ने कहा कि मेरे हिंदे बैठ की इंसान मतलब हिंदे बैठ की मतलब सभी ना देखो हिंदे बैठ की जरूरत नहीं, क्या कुछ बनाने मेरे हिंदे बैठ की मेरे इंसान देखो कुछ क्या कोई मान नहीं, जो कुछ लोगों के सवाल हुआ था नजात पा गया, जो दूर हुआ बड़ा हो गया। लोगों ने कहा कि नहीं सरकार ने कहा मजूम मेरे अंदर सरकार ने कहा मेरे सहारा की साथ है उस सरकार की है कश्ती को भी जो है उस सरकार से हिदायत मिलती आप और तो नहीं रहा है वो अल्लाह ने क्या कुछ बनाया गया ताकि हजरत ने उस सलाम को उसी तरीके से घेरा जा सके हटाया जा सके हर तरह से। लेकिन शख्सियात इतनी बारिश है रोशन है अमीर उन्हीं के यहाँ तक के बहुत से लोगों ने मसल खींचा उनका और ऐसा उनका जो है उन्हें बताने की ताकि लोग कहें कि नहीं अमीर उन्हें आप मुझे उस रुकना कहने यानी अच्छा का बदले खुदा यानी आपका शहर चौधरी के चांद के मान रहा जिन रसूल खुदा से सवाल कर रहे हैं कि आप इतने खूबसूरत हैं आप दादा साहब भी खूबसूरत होंगे जिससे उनसे सवाल किया जा रहा है उनका वजह यह नहीं है। जब लोग उनको ये कह रहे हैं और वो रसूल खुदा कह रहे हैं यानी आप चौधरी के चांद जैसे हैं आप सोचे इतने खूबसूरत होंगे उनसे मुकाबले कहा कि नहीं वो अब आपके मसल जमन है कभी ठीक करना चाहता हूँ। अब सोचे कि दुश्मनों किसी का दावत है कि हम तरह से कोई कोई अब निकाल रहे हैं इसलिए वैसे थे वो वैसे थे अमीर और मोमिनीन के लिए फातह खैबर का नक्शा कैसा होगा यहाँ तक जब एक यहूदी मुझसे पूछता वो आया था कि मैं देखना चाहता हूँ हैदर को कहा भाई हैदर भी यहाँ पे मशहूर हैदर है वो अली बिन तालिब है मदीने पहुंचा कहा नहीं जिसने खैबर को फतह किया था कहा वो हैदर करार भाई अली बिन तालिब कहा वो कहाँ है कहा वो सामने वहाँ पे बैठे आज कहा अमीर मुझसे सवाल किया कहा मुझे हैदर का रास मिला कहा नहीं हैदर आप सूखी रोटी खा रहे क्या आप सूखी रोटी खा रहे मेरे घर में तो बहुत बड़ी बात था बहुत पड़ा था बाहर था बहुत लंबे चौड़े बहुत बहुत बड़े परिवार मेरे घर का पता नहीं कौन होगा तो देव होगा। मौला ने कहा नहीं कमाल मजहर रजा के ही है देखने में जिस बिल्कुल नॉर्मल हो ये नहीं कुछ बड़ी बात है देखने में नजर आया कि हाँ लेकिन वो मजहर है जो बहुत बड़ा खैरान हो तो आत्मा है क्या ये जब से बात कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा जो बहुत है बहुत है अमीर लोग ये देखने में जो देखना नहीं करता अशिष्ट है बुजुर्ग क्या और जो आदमी बहुत जज्ब हो जाता है आपकी आंखें ही ऐसी थी कि जब मैदान जंग होते थे लोगों ने लिखा है कि आप जब देखते थे तो अक्सर कहते थे पिता पानी अरे लोग कहते वहीं पे खत्म हो जाता था कि किस तरह से देखते हैं कि इतनी निगाहों से खा रहे हैं चला घर में रहता था बहुत निहायत ही आपका और पता नहीं सारे हिंदुओं के मुसलमान को देखता ये हुजूर है हर फर्द ऐसा है उसका वजूद की कशिश बाहर देखे चाहे उसका बड़ा हो चाहे छोटा किसी बच्चे को भी देखेंगे तो उसे और समान नहीं आएगा। अभी तो ठीक है हमारे पास लिखा है हमें तो मुस्लिम बहुत लोगों ने कितना शिया हो गया था मुझे था कितना इसकी रहते ही कितनी है लेकिन बेटा दुश्मनों की तरफ से क्या था हमें तो मुस्लिम मैदान कर रहा था पुराने जंगी वो कहते वो भेजे करते थे जब तारीख पड़ी वो और वहाँ पर वो जब बता रहे थे और पूरा पूरा जंग का हाल लिखा था हमें जब मैं मुस्लिम शिया देखा उसका हैवर तो जला ऐसा कि पता लगता था यह यही की पोती उसका चेहरा बताता था कि कुछ देर भी हुसैन के आते हैं इसके लिए सब आने पे तरस रहे हूँ वो हुसैन
हुसैन इतने ने तहज्जुद की नमाज में दुआ पढ़ा और दिखा रहे सीने को सोने वाली ऐसी बच्ची अता कर जो मेरे सुकून का सरोत का चीजें नमाज कर मैं तो उसी मुसाफिर करो और काम में मुसाफिर करना चाहता हूँ सुनिए अब उसकी जनाब सैयद शोहरा तहज्जुद में दुआ मांगे पढ़ा और दिखा रहे सीने में सोने वाली ऐसी बच्ची जो तस्कीन का सबक एक ऐसी बेटी हो जो सुकून का फल पड़े और मैं आपका शेर का मशहूर मानू क्या मुझे उस घर में सुकून नहीं मिलता जहाँ पर रहा हो सकती है ना लेकिन सुकून का सब होते हुए इतना ही शराब इस बीवी के अंदर है आगे करो तला जब उस बीवी से जा के तीन दिन के सवाल में तो बहुत मेरे बहन सवाल बहुत अब आगे घर में भी बच्चियां होंगी सबके घर में बेटियां हैं बहनें हैं छोटी बच्चियां होंगी अब जब घर आइएगा तो छोटी बच्ची को देखिएगा तो एक मतलब सब पे हाथ रखे कहेगा कि बच्ची सलामत रहेंगे पर दिखा कभी कहा इतनी छोटी बच्ची इतनी बदलों में
जिंदगी भी बुला सकता। जो खबरें
मैंने रिवायत में अल्फाज पढ़े हैं कि मैदान करबला के बाद जो बीबी असीरी से रिहा होने के बाद मदीना वापस पहुंची, महाजी सुफयान का अपने हाल में लिखा कि सिर्फ चार महीने बीबी मदीने में जिंदा है। बहुत से लोगों ने कहा कि परवरदिगार ज्यारत परवरदिगार तुझे वास्ता पहले जाहिर नहीं था, परवरदिगार उस बेटी का वास्ता जो तुम्हारा ज्यारत करे, परवरदिगार वास्ता उस बेटी का जो बार बार एहसास है कि एक बेटी रह गई एक आ गई, परवरदिगार और बेबियों का वास्ता जो करते सबको ज्यारत करना चाहिए, जिंदगी में हम सब ज्यारत नसीब फरमा, आज हम सब की शफात नसीब फरमा, हम सब क्या करते हैं खैर फरमा फरमा।